गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9:36 इन द मॉर्निंग एंड आज का मौसम इट्स थोड़ा सा सुहाना सुहाना वाला टाइप मौसम है। ज़्यादा गर्मी नहीं है तो आज चांसेस कम है बारिश गिरने के। कल गिरी बारिश शायद से कल्याण में गिरी बारिश, बहुत जोर से गिरी हुई है। ये भी कापा के इधर भी एक चीज़ है, वो इसके आकर नेटवर्क कैसे चला जाता है वो समझ में नहीं आता। हम लोग ने परसों के दिन कॉल पे हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें नेटवर्क में मतलब मेरी आवाज़ तो इसको जा रही है, नहीं तो इसकी आवाज़ मेरे को नहीं आ रही है, ऐसे वाला सीन था। हाँ, मेरे इधर नेटवर्क का इशू था, इसके इधर कॉलिंग का नेटवर्क का इशू था। बहुत खतरनाक वाला सीन चल रहा है। जियो क्या चल रहा है, जियो 5G वाले देख लो। एंड कापा इज ऑल्सो कंसिस्टेंट ऑन इट्स वर्क। हाँ, थोड़ा सा एग्जाम का वगैरह आ रहा है। हाँ, कापा के ब्लॉग्स आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, डेली कापा बना रहा है। अच्छा है, मेरे को लग रहा है वही अच्छा। बाकी सब है किधर मालूम नहीं, फिर से नीचे जाके बैठे हुए लगता है। ओके, वैसे तो हम लोग का प्लान तो यही चल रहा है कि हम लोग आज भी Q&A सेशन लें, बट देखोगे तो पूरे क्लास में ऐसे कोई नहीं है, ऑडियंस थोड़ी कम है एंड कंटेस्टेंट बहुत कम है। एक ही ऑडियंस है हमारे पास, एक ही कंटेस्टेंट है, तो थोड़ा सा अनईजी, मतलब ईजी नहीं पड़ेगा हम लोग को ब्लॉग करने के लिए। तो बेटर कि हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, सारे ऑडियंस को लेके आएंगे, या हम लोग खुद नीचे चले जाएंगे सेंट्रल लाइब्रेरी में। एक्चुअली सब वहाँ पर ठंडा हवा खाने के लिए जाते हैं, ऊपर बहुत गर्मी होती है। अभी तो इतना टाइम नहीं हुआ, अभी 9:30 का टाइम है तो उसकी वजह से इतना गर्म नहीं हो रहा है, बट थोड़ा जैसे जैसे टाइम ऊपर चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी उनको चालू हो जाती है। सिर्फ फोर्थ ईयर के स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं, आपको दिखाओ तो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट के बैच है वो साइड पे, और 4-5 नमूने, बाकी कोई नहीं कॉलेज में। सभी लोग बना रहे हैं प्रोजेक्टवा बना रहे हैं। कुछ हमारे नादान भाव की जो सिर्फ ऐसे हाथ लगाती, मतलब ऐसे पूजा के टाइम लगाते ना, ऐसे हाथ लगा के ऐसे बोलते चलो पानी छोड़ो, ऐसे काम करने वाला काम करती है। मैंने बनाया है। सोनल क्या बोलना है इसके, कौन सी गाली देना चाहती है इसको? यस, कंट्रोवर्सी लगा दिया मैंने, कंट्रोवर्सी लगा दिया, यही तो चाहता है मैं, इसके लिए आया, बस इसके लिए आया, कंट्रोवर्सी लगा दिया मैंने। एक नंबर, और एक बात, ऐसी किसी तेरे ऊपर नाम ले सकती है? सोना देने की और नाम ले ली तुमका, जबरदस्ती हम लोग हर किसी को ब्लॉग में लेना चाहते हैं। ओके, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है, ज्यादा इतना हार्ड नहीं है। व्हाट वॉज योर फेवरेट कार्टून एट दिस चाइल्डहुड? डोरेमोन, मतलब उसमें क्या अच्छा लगता था, एकदम बेस्ट वाला क्या अच्छा लगता था उसमें? मुझे तो डोरेमोन ही अच्छा लगता है, सब उसके सब क्या बोलते हैं अभी। फेवरेट गैजेट बताओ, फेवरेट गैजेट। टाडा टाडा टाडा, इतना क्यों सोचने लग रहा है वीडियो? एलिवेटर, हाँ देखो मेरे को ज्यादा पता है इससे। इसका क्या है सेजल, व्हाट वाज योर फेवरेट कार्टून एट चाइल्डहुड? डोरेमोन। उसमें का फेवरेट वाला गैजेट, वाला गैजेट कौन सा? टाइम मशीन में क्यों जाना तेरे को, पीछे आगे क्यों भागना है? पास्ट में जाने का है। हाँ, फ्यूचर देखो, फ्यूचर ऐसा होता है अपना ही है, आगे जाके भी वही होने वाला है, पीछे जाके भी वही होने वाला है। कुछ हरियाली यादें, कुछ गुलाबी यादें ताजी करने वाली। We have third contestant with us, Sonali ji. So, what was your
फेवरेट कार्टून ऑफ चाइल्डहुड शिनचैन। इसमें कौन सा पार्ट ऐसा अच्छा लगता था कि कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता था शिनचैन क्यों? मतलब सिंगल लोगों का आइडियल है तो आपको मालूम पड़ता रहेगा। मतलब आप जान सकते हो कि सोनाली सिंगल है, ऐसे है कुछ ऐसे है। फेवरेट कार्टून क्यों है फिर इसका? पहले था। ओके, वी हैव फोर्थ कंटेस्टेंट। बीइंग वेरी मच रेडी है, कैमरा के लिए रेडी हो रही है। आ जाए तेरे सामने आ जा। ओके, तेरा फेवरेट कार्टून एक ही बताना है विडू। छोटा भीम। हाँ छोटा भीम। वाह, मतलब छोटा भीम क्यों पसंद है? मतलब कुछ ऐसा रहेगा ना कि उसकी क्वालिटी ऐसी थी जिसकी वजह से पसंद था। उसकी हाइट छोटी है ना इसलिए। उसमें नेचर था बहुत सारा था। नेचर वगैरह की वजह से मेरे को भी अच्छा लगता था कि वो नेचर वो दिखा देते। मेरे को लगता था कि मैं पहले अंदर जाके उधर रहूं, ऐसे फीलिंग आता था। इसके भी वही आता रहेगा। हाँ, कुछ कुछ बच्चे रोते हैं बहुत। महक रोती नहीं है, रोती ना। तो व्हाट वाज योर फेवरेट कार्टून एट चाइल्डहुड मेमोरीज में? कौन सा एकदम फेवरेट था? छोटा भाई, डोरेमोन में क्या पसंद था? शिज़ुका और शिनचैन अलग अलग थे शायद से, मुझे जितना याद आता है उनका कैरेक्टर मुझे पसंद था शिज़ुका का। स्पेशल वाइब। हो गया बस, कितना दुख कर रहे हैं यार, बस हो गया। इसके बाद ओके वी हैव फिफ्थ एंड सिक्स्थ कंटेस्टेंट। उसके बीच में टेंशन आने लग गया, बता क्या पूछने वाला है आज। हाँ, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं पूछूंगा। व्हाट वाज योर चाइल्डहुड वाला बेस्ट कार्टून जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है? पहले उसका बताएंगे। शिनचैन। वाय वाय, मतलब क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक था उसमें? कार्टून एक को ही तो बोल रहा था कि सिंगल था इसके वजह से बहुत पसंद था उसको। आपको कौन सा पसंद है? कौन कुछ स्पेशल ऐसे? अरे आवाज में जोर से बोल। डोरेमोन का हेल्पिंग, वो मेरे को लगता था वो थोड़ा सा नादान और अलग अलग कुछ था उसमें। क्या फेवरेट गैजेट क्या था? टाइम मशीन आणि आपलं एनिवेटर। देखो ये पेपर फोडीचं काम करते हैं। हाँ हाँ, नए बंदे वाले हमारे पास है ना। कल जो हम लोग ने ब्लॉग किया उसमें ना ये दो बंदे जो एक्साइटमेंट में थे, इतना एनर्जी दिखाया, मेरे को लगा कि इन लोग को दोनों का अलग से पॉडकास्ट ले सकते हैं। 61, 62, 67 क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, और जिसको बहुत कुछ पता है ऐसे लड़ाई कर देते ना खतरनाक। बट अभी अपने पास है ना ऐसे वाला क्वेश्चन नहीं है। हेलो डार्लिंग है हमारी, ये कट करूँगा। चलो, व्हाट वॉज योर फेवरेट वाला कार्टून जो बचपन में देखा करते थे, बहुत ज़्यादा फेवरेट था? Ha 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 ha!
चीज देखी आपने वही यही था, जिम में जाता है बंदा तगड़ा है, नहीं डालूंगा ठीक है बिल्कुल ले जाएगा। छोड़ दो, आपका फेवरेट कार्टून क्या था एकदम बचपन में, क्या फेवरेट कार्टून? मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कैसे नहीं पता ये सब। अरे एक शैतान बच्चा रहता है, उसका सगा भाई रहता है, वो बहुत सबके रहते हैं। क्यों पसंद था? क्योंकि वो शैतान ही करता था। तो फेवरेट कैरेक्टर हैंड्री था? नहीं, और एक बदरी और बुद्ध था, वो दोनों ने। ये थोड़े से टिपिकल इंडियन टाइप के कार्टून नहीं दिखता था? सास बहू वाले कार्टून दिखता था ये, टिपिकल एक ऐसे शैतानी कोई तो सास और उसकी मासूम सी क्या बोलते बहू। ऑलमोस्ट 15:58 मतलब 4 बज रहे ऑलमोस्ट, एंड 4 बजने के बाद हम लोग अभी घर निकलने वाले हैं। ये बाप रे, इधर कंट्रोवर्सी चलती रहती है। ये देखो लीवर, ये बनाए इन लोगों ने अच्छे से प्रोजेक्ट, बट है ना कुछ कुछ बच्चे नादान बच्चे हैं। महक रहने दो लाज लज्जा शर्म छोड़ दिए। ये सब बॉक्स इतने मेहनत से बनाया बच्चे लोग ने, और कुछ नादान परिया ऐसे उड़ा रही। आपको दिखाता हूँ, ये देखो। अरे चिल्ला रहे, देखो कैसे चिल्ला रहे, देखो कैसे। महक ये सब शोभा देता है तुझे? हाँ, गलती होने के बाद बोलने का नहीं यार, मेरे को करने का नहीं था, बट वो अपने आप हो गया। गलती होती है सबसे, महक से गलती नहीं होनी चाहिए। एस इशू, चलो अभी वो तो हो गया। महक को हम लोग मारेंगे, वैसे तो महक को छोड़ा नहीं जाएगा, चुकीला माफी नहीं। तो कौन सा ट्रेन मिलेगा वो भी देखना पड़ेगा घर पे जाने के लिए। चलो ओके, मे भी थोड़ा सा कैमरा की क्वालिटी में अलग थोड़ा सा फील आता रहेगा, बट मेरे को मालूम नहीं व्हाट इज हैपनिंग। एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो क्लियर हो जाए, बट थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा ब्लर लग रहा है, शायद से लाइटिंग कंडीशन की वजह से या कुछ और की वजह से हो सकता है। बट हमारे जो ब्लॉग में क्यूएनए टाइप वाला जो सेशन चल रहा है, बड़ा खतरनाक चल रहा है, बड़े मजेदार से हम लोग का वो जो चल रहा है ना, इंटरेस्ट बिल्ड होता है। इंटरेस्ट हमारा जो इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है ना आजकल, बहुत खतरनाक। आपको मजा आता रहेगा ना, तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर वगैरह करना मत भूलना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं रखते और मिलते हैं डायरेक्ट कल नए ब्लॉग में, नए जूस के साथ, क्योंकि ज़्यादा लंबा रखेंगे तो बोर हो जाओगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलता हूँ डायरेक्ट कल हमारे एक नए ब्लॉग में, नए जूस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड जाके हमारे पुराने वाले ब्लॉग्स देखो, मजेदार है एकदम, ऐसे मजा आ जाएगा तुमको। चलो मिलता हूँ कल डायरेक्ट कॉलेज में। बाय बाय।